सभी भाइयों को राम राम। बाबा की तरफ से, बाबा देखो कैसे बताया है, बैंक वालों ने लुटाया, लूटा है दूसरे को। उसके बाद इनका खवावा है कि इनका हम कुछ करी तुमका कुछ, तो इनका मैनेजर का सुला करना है खेत वाले, बाकी वो जितने खाए हैं दिल्ली से फांसे हूँ भाई, इनकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब कुछ नहीं करते, हम यहाँ बता रहे हैं कि तुम मैनेजर से सुला करो, खाता से निकल दिखाओ कि फाइनल है, तो आप मैनेजर से सुला करो, मैनेजरे को तुम संवार रहा हो सबको, आगे मैनेजरे जाता है जेल भाई, वही है तो वही और सरकारी जमीन सरकारी की दी ना, सरकारी रुपया तुमका बांटे की दी, तुम कैसे दे दो, जब ये स्कूटर लगावत हो खाता संख्या लगावत हो, लड़के का नाम लिखा जाते है, लड़के का नाम लिखा तो दो गवाही आप के सी सी बनी हो, तो लड़के की दो है तो दोनों गवाही लड़के की लगी है, वो तो कॉपरेटिव में पहले जमाने में गणेश सिंह और फिर बीमा मर जाने पर इसे बीमा को जिम्मेदार नहीं है कुछ नहीं, ताजे निकाल दियो और उसके बाद बड़ो सारी बात है, 12 साल बंद है, 12 साल की नकल लागत है कि 12 साल पहले या जमीन की गड़बड़ तो नहीं रहा है, और 12 साल फसल फसल का उनको और कहाँ कहाँ रहा है साल में बदल मिला है, गलती तो मैनेजरे की गलती की है, 12 साल तुम नहीं निकालो कर्जा कैसे दे, लेखपाल भी पड़ सका है क्योंकि कहाँ से बनाए कैसे बनाए, 12 साल निकलती है फट से उनके बाप नाम निकला, 1 लाख के ऊपर लोन निकलेगा तो बिना 12 साल लगी निकली ना, 1.90 निकाली ना जमा, और तक 4-5 हाँ 7,070 रुपया जो उन्हें ब्याज बनवा रहा क्या होगा, अच्छा अब रह चुका वो खाते को सही भुगतान हमसे सबसे बताया नहीं कि हो चुका है, तो क्या करे कि हम कहा जाकर उनसे मैनेजर से सुला लगा ले, मैनेजर भर दिन जी खाता भली उसे तुम्हारे अकाउंट के समय पर सुला लगाइए, तुम्हारा खाता बंधक भी छूट गया, बाकी जब जिहन हुए हैं उनके गरोह की राह जी का मन चाह छुट्टी दे जी का हो कानून का, अच्छा तो मैं कोई कोई बता 3 लाख रुपया निकाली है ना ही ऐसे ओ सोनू लिमिट क्या बनाएंगे 3 लाख की, ओ सोनू 1 लाख और बन जाए हां ऐसा है अमीर का 3 लाख तो बनी है, हां 3.5 लाख निकला, हां वो 1.5 लाख को सरकार सरकार बाद में जब लेन देन साफ करी नहीं देता, एक बार दिया था बार बार 5 साल बताए का करता है अदाई का रिन्यूअल करता है, हां बस जरा जैसे तुमने देखा हो तो का वो सुबेरे रुपया से रिन्यूअल कर दिया, तो ये पहली बार में 1 लाख रुपया दी, अच्छा 1 लाख दी तब 35 तब 15 हजार दी अमरनाथ मटकों का, अच्छा और जब 90 हजार निकाली फिर से दोबारा किस्त पर तब 20 हजार 35 हजार रुपया मोटे मुला हफ्ते बने लेकिन 35 हजार और 10 हजार इसलिए जो हेल्पर है नाचने वाला राजू हाँ राजू 10 ली, अच्छा और एक गवाही दी रामराज तो खैर वो कुछ सुने नहीं मंदिर के सामने ना है, हम जान ही था मरना तो जानते हैं जानते हैं राम भगवान है, बस क्या गवाही उनके है सब में उनकी गवाही कायम है, तो गवाही दे उनको रामराज और रामराज गवाह जो रहे गवाही हाँ गवाही है, अगर वो ये गवाही नहीं देती उनकी जमीन है, वो बोला कि मैं जान अमरनाथ को और वो जो है काली मटके काली मटके इनको हम सभी को जान रहे हैं जहाँ जहाँ रह रहे हैं इस बैंक में खाता धारक है, खाता धारक इसी गवाही रही इसलिए गवाहियाँ पड़ी, मूल गवाही मूल गवाही राजेश जी है, जमीन उन्हें राजू जी, अच्छा अच्छा इसी गवाही मुल्ला और जो ना अमरनाथ, अच्छा मोटे के लड़का ये जो विक्रम है ये भी कुछ माने कोई कोई कुछ लिखवा नहीं क्या नहीं लिखा है, यही यही तो पकड़ है जाने नहीं पाई ये तो जो मेरे खुला है उसकी नावा है बैठ कर रोई से ही बड़को द्वारे हरेश के अब उल्टा तो खैर ये सत्ता समझी तो उसी से कहें कि हम जमीन बेच चुके रहे हम जामित नहीं रहे चाहे क्योंकि तो कोई वह निकाल सके दूसरे भी उससे निकल गया तो हमारे से बाप केवल के हमारे हम अपन देश बैनामा हाँ मोटे अपन पहले बैनामा तो करें बैनामा के कई साल उपासी के चलना लगा दे लेकिन ये कह उस दिया तो एक नाम निकल गया हाँ तो ये जो उन तीनों साल हम बाद उसकी बात नहीं करती